फटी पुरानी जींस पड़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। आप गार्डनिंग के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डॉगी प्लांटर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और उनमें कौन सा पौधा लगा सकते हैं और उनके लिए आप फ्री का स्टैंड भी कैसे बना सकते हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, पैंट का यूज़ आप गार्डनिंग में भी कर सकते हैं जो फटी हुई होती हैं। ये मेरी जो पैंट है ये देखो बिल्कुल फटी हुई, यहाँ से भी तो पहनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका यूज़ आप एक तो बैग बनाने के लिए कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा बैग बना सकते हैं इसका कपड़े से और अपने घर में यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। तो गार्डनिंग में आज हम करने वाले हैं, मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से देखो ये ऐसे रख के मैंने 8 इंच पे इस पर ऐसे कट करना है, क्योंकि नीचे से ये एक साइड से तो फोल्ड है तो हमें एक्स्ट्रा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो गमला बनेगा वो 7 इंच का बनेगा और डोगी वाला बनेगा। तो कैसे मैं डोगी वाला प्लांटर बनाने वाली हूं और इसके लिए फ्री का स्टैंड भी बनाएंगे, कहां पे इसको रखेंगे, कौन सा पौधा लगाएंगे, आप देखते रहना। दो तरीके से मैं बताने वाली हूं आपको। तो दो तरीके से आप ऐसे प्लांटर बना सकते हैं। एक तो हैंगिंग प्लांटर के लिए तो करना क्या है आपको, देखिए नीचे से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं, मैंने सिलाई मशीन से लगाई है। देखिए सिलाई लगाने के बाद करना क्या है आपको, देखिए 2 इंच लेना है, 2 इंच पे ऐसे आपको टेढ़ा निशान लगाना है, तिरछा ये कोने पे ही। तो कोने पे पहले आप मार्क कर लें ऐसे 2-2 इंच पे दोनों ही साइड, और फिर इसको आप ऐसे सिलाई से सील लें या सुई धागे से सील लें, दोनों पे ही मैं मार्क कर लूँगी। ये वाले जो प्लांटर हमारे बनेंगे हैंगिंग के लिए बनेंगे, इनको आप दीवार के साथ में हैंग कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने इन पर मार्क करके सिलाई लगा ली है, अब हम इनको सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे सीधा करने के बाद ये जो हमारे प्लांटर तैयार हुए हैं सिंपल तरीके से आराम से आसानी से तैयार हो गए हैं। इसका यूज़ आप दीवार पे कोई भी कील लगा के और इसमें मिट्टी भर के कोई भी पौधा लगा सकते हैं, ये आराम से चलते रहेंगे। और ये जो प्लांटर बने हैं हमारे कपड़े के, देखो जींस के कपड़े के, इनमें पानी भी आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे दीवार पर आप इनको हैंग करें और इनमें पौधा लगाएं। एक तरीका तो ये है, सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, क्या करना है, 2 इंच ऐसे कोने पे निशान लगाना, जैसे मैं लगा रही हूँ 2-2 इंच पे ऐसे आप लगा सकते हैं, और फिर इस कोने को आपको कट कर लेना है। देखिए कोने वाला पार्ट जो है ऐसे कट करने के बाद इसी कपड़े को ले लो, चाहे आप मार्क कर ले, इस कपड़े को दूसरी साइड भी रख के आपको सीधा ऐसे कट कर लेना है, 2-2 इंच पे ले सकते हैं तो सही बनेंगे। जितना चौड़ा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप 3 इंच या 4 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से कट करने के बाद देखिए सिलाई लगा ली है मैंने नीचे, और एक कोनों को पकड़ के दूसरे कोने, जैसे हम बैग बनाते हैं वैसे ही हमें ऐसे निशान लगाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए ऐसे मैं सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगने के बाद देखिए हमारा ऐसा बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। तो देखिए जैसे हमारा बैग बनता है वैसे ही उसी की तरह ही हम इसके प्लांटर बना लेंगे। देखिए ऐसे हमारे प्लांटर तैयार हो गए। अब हम इसको डोगी बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी बताने वाली हूँ। देखिए दोनों को ही मैं सीधा कर लूँगी, और ये जो पैंट है इसके अंदर से मेरे 6 प्लांटर बनेंगे। देखिए 6 प्लांटर मैं आपको दिखाऊँगी, 4 का ही हम यूज करेंगे गार्डनिंग में और 2 का अलग तरह से यूज करेंगे। तो देखिए अब ये जो कोने वाला जो पार्ट है ये बचा हुआ है, इसका मैं एक सुंदर से मैं इसके लिए डोगी के कान कट कर लूँगी। देखिए इसी कपड़े से ही हम बिल्कुल ही जैसे डोगी के कान होते हैं वैसे ही कट कर लेंगे, ऐसे राउंड राउंड कट करने के बाद इनको कैसे सिलना है, कहाँ पे सिलना है वो बताने वाली हूँ। देखिए ऐसे मैं दोनों से ही 2-2 कान बना लूँगी ये एक्स्ट्रा कपड़े से। तो हमें जींस का जो है एक एक छोटे छोटे पार्ट का यूज करना है, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देना है। और ये जो प्लांटर बनेंगे ये बहुत ही प्यारे बनेंगे फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए तो बेस्ट रहते हैं। इनमें अगर हम पौधा लगा के रख देंगे, पानी डालना भी भूल जाएंगे, तो 2 दिन आराम से हमारा पौधा चल जाएगा, खराब नहीं होएगा, और कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख के और सिलाई कर दूंगी, सुई धागे से आप इसको सील सकते हैं। देखिए सुई से मैं इसको यहाँ ऊपर से 4-5 ऐसे टाके लगा के अच्छे से इसको अटैच कर दूंगी। तो ऐसे आप सिलाई करके इसके डोगी के कान बना सकते हैं फ्रेंड्स। कान बनने के बाद हम इसको फेस भी देंगे, पहले हम दूसरे वाले प्लांटर बनाएंगे। देखिए उसका तरीका भी मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए ऐसे मैंने सुई से ही बड़ी सुई लेनी है, मजबूत सा धागा लेना है। अगर मजबूत धागा नहीं है तो हमारे जो रील होती है जिससे हम सिलाई करते हैं उसको डबल करके आप सुई में पिरो लें और फिर उसी से आप इसको बना लें। देखिए हमारे 2 प्लांटर हो गए तैयार, फेस हम बाद में देंगे, पहले इसका यूज करेंगे। देखिए इस पर भी मैं 9 इंच पे ऐसे निशान लगा के और
ऐसे कट कर लूँगी और ऊपर से भी हमें बचा हुआ पार्ट भी लेना है। सबसे पहले यहाँ से हम कट करेंगे, देखिए सीजर से आपको कट करना है। और ये वाला मैंने 9 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमें नीचे से भी इसको सिलाई करनी है, ऊपर से भी फोल्ड करना है, तो एक्स्ट्रा मैंने 9 इंच इसीलिए लिया है, 1 इंच फालतू ले लिया है। और हमारा जो प्लांटर है वो 7 इंच का तैयार हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हमें इसको उल्टा कर लेना है, उल्टा करने के बाद हम इसका भी ये कट कर लेंगे। देखिए साथ में ही बनाने वाले हैं, तो ये जींस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं यूज़ आपको बताऊंगी, लेकिन बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैनल पे। तो देखिए ऐसे ये थोड़ा सा तिरछा है तो इसको हम सीधा कट कर लेंगे, ऐसे ये हमारा कोना जो है वो निकल गया है। अब हम इस पर भी ऐसे ही 2 इंच पर मार्क लगा लेंगे। देखिए 2 इंच पर ऐसे मार्क लगा के मैं अंदाजे से इसको कोनों को कट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको कट कर लेना है और जैसे पहले बनाया है वैसे ही हमें कट करके इस पर सिलाई लगानी है। लेकिन पहले वाला तो फोल्ड था ऊपर से, लेकिन इसमें हमें फोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ ऊपर से हमें सीधा ही सिलाई लगा के फोल्ड कर लेना है। देखिए साइड में सिलाई लगा लेंगे, तो मैंने ये चारों ऐसे कट कर लिए हैं। अब चारों को हम लेंगे सील, तो सीलने के बाद देखिए हमारा ऐसा तैयार हो गया, ऊपर से मैंने लिए हैं सील, तो आप सुई धागे से भी सील लेंगे और साइड से। फिर हम सिलने के बाद देखो ऐसे ही कोने इनको मिला देंगे, कोने को मिला के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो हमारे प्लांटर जो हैं तैयार हो गए, वो भी जींस के कपड़े से, और ये सिंपल बने हैं अभी। तो फिर हम इसको अलग से डोगी का फेस देंगे और डोगी बिल्कुल ही डोगी कहते रहे ये नज़र आएंगे। फ्रेंड्स इनमें हम पौधा भी लगाने वाले हैं, टेरिस पर लगाने वाले हैं, यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। देखिए अब इसको सीधा करके ऐसे हम रख लेंगे। ये जो हमारे बैग टाइप में ऐसे बने हैं, इसका यूज आप घर में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसका यूज किचन में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी इनको हैंग भी कर सकते हैं। रख के इसमें आप अपने घर का कोई लहसुन प्याज जो किचन की कोई भी सब्जी आए हों उनको भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत बने हैं जींस के कपड़े के हैं। तो देखिए सभी में मैंने ये कान भी लगा दिए हैं, छोटे छोटे कपड़े बचे थे उन्हीं को कट करके किसी के ऊपर की साइड लगा दिए हैं, किसी के नीचे की साइड लटका दिए हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये हार्पिक की जो हमारी खाली बोतल होती है उसी से ही मैंने ये टोकरी यानी बास्केट टाइप में बनाई है, इसी में मैं कलर रखती हूँ। कलर ये जो है ये है मार्कर, तो परमानेंट मार्कर से आप फेस बना सकते हैं। फेस के लिए देखिए मैंने ऐसे राउंड राउंड आँखें बनाई हैं, तो कोई भी फेस दे सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन हमने कान बनाए हैं तो हम डोगी का ही फेस देंगे। डोगी की तरह ही हमारे प्लांटर नज़र आने वाले हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे हमारे गार्डन में रखे हुए, बिल्कुल ही क्यूट से प्लांटर। तो देखो ये फटेंगे भी नहीं, जींस के कपड़े के हैं, काफ़ी दिन चल जाते हैं, बारिश में इनका कुछ ख़राब नहीं होता है और इनमें पौधे आराम से लग जाते हैं। इनको आप या तो हैंग कर सकते हैं या कहीं स्टैंड पर रखेंगे तो भी सुंदर लगेंगे, तो मैं तो स्टैंड पर रखने वाली हूँ। देखिए ऐसे आप ब्लैक से, रेड से, कोई भी आप व्हाइट से भी, अगर आपके पास एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो हैं तो उनसे भी आप नोजी बना सकते हैं, आंखें बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए कैसा भी फेस आप दें, इमोजी भी बना सकते हैं। तो हम तो डोगी का फेस बना रहे हैं, क्यूट से डोगी से प्लांटर बनाएंगे। इसके जो कान हैं वो नीचे की साइड लटका दिए हैं मैंने, तो कान बनाए आप या फिर मार्कर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कपड़े से ही इसका नोजे बना सकते हैं, इसकी आंखें बना सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं आंखों के लिए, वो भी क्यूट से लगेंगे। तो हम डोगी का अलग अलग फेस देंगे। देखिए इसके लिए मैं ऐसा फेस बना रही हूँ, छोटे छोटे जो पपी होते हैं डोगी के, छोटे छोटे क्यूट से, उन्हीं का ही हम फेस देंगे। तो देखिए ये ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसकी नोजे बना दी है और नोजे को थोड़ा सा अलग लुक देंगे। ये इसकी देखो मूंछें बन गई हैं। तो ये हमारा क्यूट सा प्लांटर हो गया है तैयार। देखिए कितना प्यारा सा मैंने फेस बना दिया है और इसमें हम पौधा लगाने के बाद तो और भी क्यूट सा नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स ये फेस बनने के बाद थोड़ा सा इसके कानों को भी मैं ऐसे मार्कर से ही डेकोरेट कर देती हूँ। तो ऐसे आप मार्कर से बना सकते हैं या फिर कोई भी कुछ भी इस पर चिपका भी सकते हैं, बटन चिपका सकते हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे कपड़े के भी कुछ बना के चिपका सकते हैं, मतलब लुक देना है हमें डोगी का ही है। इसमें मैं अलग तरह से बनाने वाली हूँ, इसकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी लंबी लंबी बनाने वाली हूँ और बीच से हम इसकी देखो ये ऐसे बना देंगे। तो मार्कर भी मेरा इतना फास्टली चल रहा है इस जींस वाले कपड़े पे, तो फटाफट मेरा बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है फेस बनाने में, तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। और इसमें ये जो प्लांटर बनाए हैं इसके लिए भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मशीन से मैंने फटाफट इनकी सिलाई कर दी है। तो देखिए हमारे प्लांटर हो गए तैयार और इस पर भी मैं ऐसे ही बना दूंगी। और देखिए हमारे
चार प्लांटर बन के हो गए हैं तैयार, जो बिल्कुल ही फ्री में बने हैं, फटी पुरानी जींस से बने हैं। अगर हम सिंपल जींस को कट करके ऐसे ही यूज करेंगे गार्डनिंग में तो वो थोड़े से अलग नज़र आएंगे, और अगर हम ऐसे प्लांटर बना लेंगे थोड़े छोटे छोटे से क्यूट से, तो ये हमारे सुंदर भी लगेंगे, रखे हुए भी प्यारे प्यारे दिखेंगे। तो देखिए अब हम आ गए हैं टेरिस पे, और ये वाली जो वीडियो है ये वाली दूसरे दिन की वीडियो है, क्योंकि शाम को अंधेरा हो गया था तो मैं पौधे नहीं लगा पाई। अभी हम इसमें पौधा लगाएंगे, हमारे प्लांटर बिल्कुल ही तैयार हैं। अब हम देखो पौधा लगाने के लिए मेरे पास जेड प्लांट बहुत सारा है, मतलब छोटा छोटा कटिंग से बहुत सारा बनाती रहती हूँ, तो मैं इसी को ही बनाऊंगी क्योंकि मैं इसको धूप में रखने वाली हूँ, और धूप में ही हमारा स्टैंड बनेगा, तो स्टैंड भी उसी पे ही हम रखेंगे। देखिए छोटी छोटी कटिंग से ही आप लगा सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी सी रूट्स आई हैं। और ये जो गमले हैं मेरे को अलग तरह से यूज करने हैं, यानी इन गमलों में मैं अलग से वाइन वाला प्लांट लगाने वाली हूँ जो मैंने बीज से ग्रो किया है। तो मॉर्निंग ग्लोरी का मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट हो गए हैं और वो अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो मेरे पास पौधा है उसमें मिर्च का प्लांट लगा हुआ है, तो उसके चारों तरफ तीन प्लांट बन गए हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, और अच्छे से वाइन बढ़ने शुरू हो गई है, लेकिन वो अगर उसमें रहेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, इसलिए मैं इन गमलों में लगाऊंगी। और साथ साथ में देखियो फ्रेंड्स, मैंने इसमें मिट्टी भर ली है सभी प्लांटर में। मिट्टी भरने के बाद ये पौधे देखो ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी हम साथ में इसमें डालते रहेंगे, तो जेड प्लांट को लगाना बेहद ही आसान है। आप कटिंग लगाओ चाहे रिपोर्ट करो, आराम से ये आराम से लग जाता है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी अगर मैं लगाती तो इसमें लग जाती, लेकिन मेरे को ये गमले चाहिए थे तो छोटी छोटी कटिंग से ऐसे बने हुए बहुत सारे मैंने गमले तैयार कर लिए हैं, और दो गमले मेरे को चाहिए थे क्योंकि वो जो वाइन वाला प्लांट है अपना मॉर्निंग ग्लोरी का, जो अभी फ्लावर बहुत ही सारे देता है, उनको लगाना है। तो देखिए ऐसे मैंने गमले तैयार कर लिए हैं, सभी मैं जेड प्लांट ही लगाऊंगी, और बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे ऐसे देखो कितनी अच्छी इनमें रूट्स आई हैं, और इसमें हम रिपोर्ट कर देंगे सभी पौधे। और ये जो जेड प्लांट है ये छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे ग्रो बैग में, कहीं पर भी आप इसको लगा दो, आराम से ये चलते रहते हैं, बिना देखभाल वाला शुभ पौधा है। तो इसके लिए देखिए कितना क्यूट सा ये डोगी वाला प्लांटर हमारा तैयार हो गया, इसमें भी हम यही पौधा लगा देंगे। वैसे फ्रेंड्स आप मॉस रोज भी लगा सकते हैं इन प्लांटर में, कोई भी फूलों वाला पौधा भी लगा सकते हैं, कोई इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे ऐसे प्लांटर बनाएं और यूज करें। अब हम बनाएंगे इसके लिए स्टैंड। स्टैंड के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास लकड़ी के फट्टे हैं तो वो ले सकते हैं, मेरे पास एक थी टाइल, तो ये जो टाइल है ये रैंप वाली टाइल है, और मैंने दोनों गमलों के बीच में इसको रखा है क्योंकि मेरे जो प्लांटर हैं वो चार प्लांटर हैं और इस पर आराम से आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये प्लांटर रख दिए हैं, डोगी वाले प्लांटर जो बेकार की फटी पुरानी जींस से बने हैं, और ये फेस बनाने के बाद कितने सारे क्यूट लग रहे हैं, ये अब गंदे भी नहीं लग रहे हैं और इनमें पौधे भी लग गए हैं। तो देखिए जेड प्लांट मेरा ऐसा ही फैलता जा रहा है, छोटी छोटी कटिंग में फेंकती नहीं लगाती रहती हूँ। अब दिखाती हूँ आपको ये वाले प्लांट, देखिए ये है मिर्च का प्लांट और इसमें अच्छी अच्छी मिर्च भी लगी हुई है। इसके साथ में ऐसे ही बीज डाल दिए थे मैंने, तो देखो ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट इसमें तीन बन गए हैं, इसी के लिए मैंने ये दो गमले खाली किए हैं और इसमें लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको फटी पुरानी जींस वाले प्लांट कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।